और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे देश के पूर्वी भागों में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से बाढ़ का संकट गंभीर हो चुका है। असम के 30 जिलों में तो बाढ़ ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रभावित जिलों में सैलाब का सितम बढ़ सकता है। बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। असम में बाढ़ से हो रही बर्बादी की निशानियां हर तरफ बिखरी हुई दिखाई दे रही है। डर, दहशत और सामने पहाड़ जैसी मुसीबत का सामना कर रहे लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। राज्य में बाढ़ के हालात को लेकर अमित शाह ने असम के सीएम से बातचीत की है। बाढ़ के हालात देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असम की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखिए चाहे आप गुवाहाटी की बात करें, बरपेटा की बात करें और डिब्रूगढ़ की बात करें, मोरीगांव, हर जगह पर यहां पर तस्वीरें ऐसी दिखाई दे रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बात की है वहां के सीएम से और हालात को लेकर जायजा उन्होंने लिया है। रविकांत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। रविकांत, क्योंकि असम में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, गृहमंत्री अमित शाह ने भी बात की है, विस्तार से बताइएगा। क्योंकि हर वक्त अगर हर साल हम चर्चा करते हैं मॉनसून के समय में, तो इसी तरीके की चर्चाएं, इसी तरीके की तस्वीरें और ये बताती हैं कि पहले से तैयारी करने की बहुत जरूरत है, लेकिन इस पर हम काम करते हुए नहीं दिखाई देते। पहाड़ी इलाका जहां पर प्लानिंग की खास जरूरत है और वो प्लानिंग पूरी तरह से नदारद दिखती है। इस समय असम के 30 जिलों में बाढ़ की महामारी है। कहीं पर बाढ़ की वजह से लोग डायरेक्ट प्रभावित हैं और कहीं बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद की जो ज्यादा भीषण स्थिति। तो देखिए आवाज नहीं मिल पा रही है, रविकांत को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए, असम में इस वक्त कई इलाके ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं और वहां पर सुविधाएं देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। सरकार का कहना है कि हमारी नजर है, लेकिन इन इलाकों में प्लानिंग की जरूरत है। अगर ऐसी जगहों पर प्लानिंग नहीं होती है तो फिर तस्वीरें क्या होती हैं वो आप देखिए, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलिए असम की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं और वहां पर हालात जो हैं उस पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रविकांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार और वहां के हालात पर भी रविकांत, क्योंकि इससे पहले बात कर रहे थे कि स्थिति वहां पर बहुत खराब है, गृहमंत्री अमित शाह ने भी वहां के सीएम से बातचीत की है, लेकिन वहां पर इस वक्त कैसे स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जा रहे हैं और उन इलाकों के हालात क्या हैं जहां पर इस वक्त सिचुएशन बहुत अनकंट्रोल है। जी देखिए, जो राहत शिविरों की बात है या जो सहायता पहुंचाने की बात है वो हो रही है। 500 शिविर ऐसे हैं जहां पर करीब 53,000 लोग रह रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ऐसे में 53,000 लोग जो हैं राहत शिविरों में हैं, 53,000 की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इतने राहत शिविरों के बावजूद सारे लोगों को राहत नहीं पहुंचाई जा पा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अपने घर के भीतर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन घर पूरी तरीके से टापू में बदल चुके हैं। हजारों की संख्या में ऐसे घर हैं जिनके अगल बगल पानी भरा हुआ है और उनके घरों की सीढ़ियों तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में वो पूरी तरीके से, जैसे कि आप बता रही थी कि बंधक बन करके रह गए हैं, उन तक अगर किसी तरीके से कोई राहत नहीं पहुंचाई जा पा रही है तो वो पूरी तरीके से राहत से कटे हुए हैं। उनके घर के लोग किसी तरीके से बांस की बनी हुई नाव में सवार होकर के बाहर जाते हैं और वहां से अगर उन्हें कुछ मिलता है तो लेके आते हैं, या अगर कोई रोजगार कर रहे हैं छोटा मोटा रोजगार तो वो अपने रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन बारिश के चलते आजकल लोगों का रोजगार भी ठप है। तो एक तरीके से लोग बंधक भी हैं और खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही हैं, खासतौर से इन्फेक्शन की समस्या शुरू हो गई है, बीमारी की समस्या शुरू हो गई है। बिल्कुल, और वो सब कुछ हम लगातार रविकांत दिखा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, वहां के हालात को बताने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़,
आपको रखे आगे।